मतपेटियों में बंद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य। खुलेगा पंजा या खिलेगा फूल, किसकी होगी हार और किसके सर सजेगा जीत का ताज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह नजर आ रहा है, लोगों में बहुत एक जोश है आज के चुनाव को लेकर। और मुझे लग रहा है कि इस बार जो वोट प्रतिशत है वो बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं लोग एक अच्छे मूड के साथ, और आज कुदरत की ऐसी एक देन कह सकते हैं कि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना मौसम है और बहुत ही बढ़िया ढंग से और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पूरे हरियाणा में जो पोलिंग है, जो वोटिंग है, वो हो रही है। आइए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी, इनसे जानते हैं कि इस बार कैसा माहौल है हरियाणा में चुनाव का, क्योंकि सुबह से ये जो धरातल पे हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उनके साथ जुड़े रहे हैं। आइए बात करते हैं सतीश मेहरा जी से, जो हरियाणा की राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, आज हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और जो जैसा देखने में आया, सुनने में आ रहा है कि बहुत एक अच्छे तरीके से चुनाव हो रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बार लोगों में बहुत उत्साह नज़र आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इस बार कैसा चुनाव जो चल रहा है धरातल पे, कैसी रिपोर्ट है? क्योंकि आप सुबह से रिपोर्टर्स के साथ लाइव आप लोगों ने बहुत बार किया है, आपको लगा है कि वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपने बात की है रिपोर्टर्स के साथ, तो किस तरह का माहौल लग रहा है और कैसी कितने तक वोट जो प्रतिशत है वो इस बार वोटिंग हो सकती है? देखिए, जैसा आपने बताया कि आपने रिपोर्टर से बातचीत की, हम सुबह से लाइव थे और हमारे जो रिपोर्टर्स हैं और दूसरे जो आम लोग हैं और जो मीडिया के में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उन लोगों से हमने बातचीत की है और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सम्पन्न हुआ है, 6 बजे सम्पन्न हो गया है। और छोटी मोटी घटनाएं कई जगह हुई हैं, सोनीपत में हुई है, पंचकुला में हुई है, फतेहाबाद में, नारनौंद, महम में, नूह में, कहीं आपस में कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता भिड़े हैं तो कहीं जो कांग्रेस और INLD के कार्यकर्ताओं में एक झड़प देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादा बड़ी कोई घटना, छोटी मोटी झगड़े तो सामने नहीं आई है। लोकतंत्र का पर्व है ये, देखो महापर्व है, इसमें कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो जीत हार की जो एक बाजी होती वो है, उन लोगों में बड़ा उत्साह देखने को मिला। जो रिपोर्टर्स की तरफ से फीडबैक हमने मिला है, जो लाइव रिपोर्टर्स हमने दिखा रहे थे, तो बड़ा उत्साह आपकी बार लोगों में देखने को मिला है। और कहीं कहीं ये मतदान जो प्रतिशत है उसमें भी एक बड़ा रिकॉर्ड वृद्धि होने जा रही है मुझे लगता है। हालांकि हमारे पास आंकड़े जो अभी 6 बजे तक के आंकड़े आए हैं, वो जो आंकड़े बता रहे हैं अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए हैं, वो 65% के आसपास का आंकड़ा है, लेकिन आंकड़ा 2-3 बार बदले, कल इलेक्शन आयोग ना कल आंकड़ा दे पाएगा। मुझे लगता है 70% से भी अधिक ऊपर ये आंकड़ा कल तक जाएगा और जो एग्जैक्ट जो आंकड़ा निकल के आएगा उस आंकड़े के हिसाब से हम कह पाएंगे कि इतना प्रतिशत मतदान हुआ है। हालांकि लास्ट ईयर की 2019 की हम बात करें तो 67.92% मतदान हुआ था और एक अच्छा मतदान माना जा सकता हो, लेकिन अब की बार इससे कहीं और ज़्यादा लोगों में जो उत्साह है, लोगों में जो एक बाहर निकले हैं मतदान के लिए, उसे लगता है कि अब की बार कल तक जो आंकड़ा आएगा वो 70% से डेफिनेटली पार करेगा। जैसा कि अक्सर मुद्दा रहा है, जब भी चुनाव होते हैं बड़ा एक अहम मुद्दा होता है EVM। खैर इस बार ये मुद्दा इतना हावी नहीं था, पर क्या आपको कहीं किसी पोलिंग स्टेशन से या कहीं से कोई ऐसी कोई खबर मिली है कि EVM में कोई गड़बड़ी हो या कहीं कोई दिक्कत आई हो या कहीं कोई EVM पकड़ी गई हो, कोई इस तरह की कोई खबर सामने आई हो? देखिए, चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा लगता है, मुझे लगता है 3-4 स्थानों को छोड़कर EVM और जो VVPAT है उसमें किसी तरह की कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस मुझे लगता है नहीं आई। सोनीपत में 1-2 घटनाएं आई हैं, नरवाना में आई हैं और जो सोना में, क्या दिक्कत सोना रही है वहाँ पे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही हैं या ये शुरू शुरू में होता है जब जो पोलिंग ऑफिसर हैं वो जो इनको VVPAT और EVM को जो ऑपरेट करते हैं तो उसमें कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा मतदान कहीं भी नहीं रुका, तो मतदान स्मूथ रूप से चला है और किसी तरह कोई ज़्यादा जो
परेशानी मतदाताओं को नहीं हुई है। हालांकि सुबह सुबह मतदान जो भारी संख्या में हुआ, 7 से जो 10-11 बजे तक लोग खूब निकले, उसके बाद बीच में थोड़ा गैप हुआ, बाद दोपहर फिर मतदान की जो प्रतिशत प्रक्रिया है वो बढ़ी है और जो मतदान केंद्र हैं उन पे कहीं ना कहीं भीड़ दिखाई देने को मिली है, देखने को मिली है। और जो लाइन ऑर्डर की बात करें तो पूरी कानून व्यवस्था बेहतर रही है और पूरे जो शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन कमीशन ने जो 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदान केंद्र बनाए गए थे, 20,632 बूथ बनाए गए थे, उन पे मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्वक मतदान हुआ है जी। और ये बहुत एक अच्छी खबर है पूरे प्रदेशवासियों के लिए। मेरा साहब देखिए, अब तक अगर बात करें तो पिछले लगभग एक महीने से या 20-25 दिन से हम लोग लगातार जो है एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और हम लोग एक सिस्टम में है कि कौन सी पार्टी किस तरह बढ़त बना रही है। बहुत समय से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ वास्तुस्थिति आपको कुछ समझ आई है कि आज क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल बन रहा है, तो किसकी फेवर में जाता हुआ माहौल जो है वो नज़र आ रहा है, तो कुछ क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि आज का एग्जिट पोल आपका क्या कहता है? हाँ देखिए, जिस प्रकार से मतदाताओं में, महिलाओं में और जो जो युवा हैं उनमें एक उत्साह था, अपने मत का प्रयोग करने का उत्साह था, उस उत्साह से लगता है कहीं ना कहीं भारी मात्रा में मतदान हुआ। और भारी मात्रा में मतदान होना ये दर्शाता है कि कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो युवाओं में आया है और वो उसको देखते हुए जो मतदाता है उन्होंने वोट किया है। और जितना भारी मतदाता निकल के आता है, मतदान जितना भारी होता है, उससे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसके सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं मतदान हुआ है, उसमें ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है जी। ये बात देखने वाली होगी, ये तो जनगणना और मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा क्या हुआ है। लेकिन ऐसा अंदाज़ा अमूमन जो पीछे के चुनाव हुए हैं, जो ज़्यादा जो मतदान का प्रतिशत जहाँ पे जब भी ज़्यादा आया है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सरकार के खिलाफ एंटी इनकमेंसी का फर्क पड़ा है उन चीज़ों का जी। तो हमें जैसे आज हमारे रिपोर्टर्स ने और हमें जैसे सूचना भेजी है अलग अलग बूथों पे अलग अलग मतदाताओं से, युवाओं से, महिलाओं से, और यहाँ तक के कास्ट वाइज की बात करें जो किसान वर्ग के लोगों से, मतदाताओं से, और ब्राह्मण समुदाय से, जो जो शहरी मतदाता हैं, ग्रामीण मतदाता हैं, सभी जो वर्गों के मतदाता हैं उनसे बातचीत की, उनसे एक आंकड़ा हमारे पास निकल के आया कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का कहीं कहीं कांग्रेस पलड़ा जो है भारी है जी। और अगर हम बात करते हैं तो कितनी सीटों की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कांग्रेस 54 से 60 सीटों तक एक बाजी मार सकती है जी। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो 22 से 25 तक वो कहीं कहीं आ सकती है, 22, 23, 19 भी रह सकती है, और सॉरी 21 भी रह सकती है, 23 भी हो सकती है। तो इस तरह का ये आंकड़ा हमारे पास एक निकल के आया है जी। INLD एक जो तीसरा जो राजनीतिक दल है, INLD और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो उनका भी कहीं ना कहीं वो एक उपस्थिति दर्ज हो सकती है। और ऐसा लगता है कि कहीं के 3 उम्मीदवार उनके जीत सकते हैं। अच्छा, और उसके अलावा जो हमने बात करते रहे, मैं जो आज़ाद उम्मीदवारों पर बात करते रहे हैं, तो 8 से 10 आज़ाद उम्मीदवार की जीत हो सकती है इस चुनाव में, आज़ाद उम्मीदवार जी। तो अब हम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगर बात करें तो हार जीत की बात करें तो जुलाना की से स्टार्ट करते हैं। जुलाना में विनेश फोगाट कांग्रेस से हैं, वहाँ पे विनेश फोगाट कांग्रेस से हैं, योगेश जो कैप्टन योगेश हैं बैरागी वो भारतीय जनता पार्टी से, हालांकि और भी कैंडिडेट हैं वहाँ पे, लेकिन दोनों का मुख्य मुकाबला दोनों में टक्कर कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में कहीं ना कहीं मुझे लगता है जुलाना का जो छोटा सा एक कस्बा शहरी क्षेत्र उसमें कहीं ना कहीं कैप्टन भारी पड़ सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वीप थी इसके पक्ष में, तो विनेश फोगाट को ज़्यादा भारी जो वोट आ रहे हैं और विनेश फोगाट चुनाव जीत सकती है, जीतेंगी। अटेली की बात करते हैं, आरती राव और उसमें जो उसमें मुख्य मुकाबला है अनीता यादव में जी। आरती उसमें अटेली से आरती राव चुनाव जीत भी सकती हैं, ज़्यादा चांस जीतने के हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दोनों में है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अटेली से नांगल चौधरी की बात करते हैं, नांगल चौधरी डॉक्टर
मंजू चौधरी हैं जी, मंजू चौधरी का चुनाव निकल सकता है, जीत सकती हो। इसी तरह झज्जर की अगर बात करते हैं, झज्जर में गीता बुक्कल कांग्रेसी कैंडिडेट हैं, गीता बुक्कल के विनिंग कैंडिडेट हो सकती हैं उम्मीदवार। और सढ़ोरा की बात करते हैं, रेणु बाला कांग्रेस से हैं, वो चुनाव जीतेंगी। कलानौर की शकुंतला खट्टक का चुनाव, वो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीत रही हैं। फिरोजपुर झिरका की बात करें तो मोमन खान कांग्रेस के, वो चुनाव जीतेंगे वो। और ऐसा जो रिपोर्ट हमारे पास आई है वो उन रिपोर्टें के आधार पर हम बात कर रहे हैं। नूहू में आफ्ताब अहमद हैं कांग्रेस से, कांग्रेस के उम्मीदवार, भारी उम्मीदवार हैं, वो चुनाव जीत सकते हैं। तो इसी तरह पुनाना में मोहम्मद इलियास कांग्रेस से, तीनों जो मेवात की सीटें कहीं कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं जी। करनाल जगमोहन आनंद और बीजेपी में, और सुमिता सिंह में टक्कर है, और कहीं कहीं इस करनाल में जगमोहन आनंद जो बीजेपी के हैं वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जीत सकते हैं। महम में बलराम डांगी कांग्रेस के हैं, और जो बल्लाज कुंडू वो अपनी पार्टी उनकी, तो इनमें दोनों का मुकाबला है, तो कहीं कहीं इसमें कांग्रेस कैंडिडेट जीत सकता है जी। तो बेरी में रघुवीर कादन निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं। और इसके बाद रेवाड़ी की हम बात करते हैं, रेवाड़ी में चिरंजीव राव जो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, वो चुनाव जीतेंगे, पहले भी हम विधायक वहाँ से रहे हैं। और इसके साथ साथ नानोंद जस्सी बेटवाड़ कांग्रेस जो चुनाव जीत रहे हैं वो हैं। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र में जो महिपाल ढांडा हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव जीत रहे हैं। फरीदाबाद NIT में सतीश फागना है बीजेपी से, वो चुनाव जीत रहे हैं। तो अम्बाला कैंट की अगर बात करें तो अम्बाला कैंट में अनिल बीज और जो तीनों का जो ट्रायंगल फाइट है उसमें कहीं कहीं बराबर बराबर उनका, कोई हार जीत का बहुत कम फर्क जो रहेगा, और तीनों में से कोई भी चुनाव जीत सकता है। इसमें इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो चित्रा सरवारा वो भी भारी है, तीनों का मुकाबला, तीनों का कांटेक्ट। अम्बाला शहरी सीट किस तरह से रही? शहरी सीट अम्बाला की शहरी सीट जारी है जो निर्मल चौधरी है कांग्रेस के हक में, हाँ निर्मल सिंह है कांग्रेस के हक में, डेफिनेटली कांग्रेस के हक में जारी है। इसी तरह से कालका से प्रदीप चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। तो थानेसर से अशोक अरोड़ा चुनाव जीत रहे हैं, और उनके मुकाबले में सुभाष सुधा हैं, वो पिछली बार भी अशोक अरोड़ा बहुत कम वोटर से आ रहे थे। लोहारू से राजवीर फटिया चुनाव जीत रहे कांग्रेस से। आदमपुर से चुनाव भव्य बिश्नोई का मुझे लगता है भव्य बिश्नोई चुनाव जीत जाएंगे, हालांकि दोनों कांटे की टक्कर है। बादली से कुलदीप वत्स हैं, डॉक्टर कुलदीप वत्स कांग्रेस से, वो चुनाव जीत रहे हैं। और इसके अलावा सफीदों से सुभाष गंगोली कांग्रेस से, उनका बार बार कहीं से कई लोगों से हमने बात की है, तो सुभाष गंगोली का चुनाव जीत की ओर जा रहा है जी। मुलाना से पूजा चौधरी हैं जो वरुण चौधरी वर्तमान में जो जी सांसद हैं, सांसद हैं वरुण चौधरी। अम्बाला से वो चुनाव उनकी जो धर्मपत्नी है पूजा चौधरी, वो चुनाव जीत रही हैं। उसको उकलाना से नरेश सेलोवाल चुनाव जीत रहे हैं, और चाणकला से ब्रजेंद्र, और इनकी कई तरह की जो चौकोना मुकाबला यहाँ पे हुआ है, इनका चुनाव इनके फंसा हुआ है। और अंत में अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह का अगर अनुभव काम आया, उनके कॉन्टैक्ट काम आए, तो चुनाव ब्रजेंद्र सिंह जीत भी सकते हैं, अदरवाइज चौकोना मुकाबला में कुछ भी हो सकता है। टोहाना प्रमीर सिंह हैं जो पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं पहले कांग्रेस के टोहाना में, और तो शाम अनिरुद्ध चौधरी और कांग्रेस में, अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस के हैं और श्रुति चौधरी भारतीय जनता पार्टी से, दोनों का नेट टू नेट फाइट है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, 50-50% दोनों के चांस हैं। पृथला हैं रघुवीर तेवतिया कांग्रेस से हैं, पीओवा से मनदीप चट्ठा कांग्रेस से, पटौदी से बिमला चौधरी बीजेपी से, और पलवल से गौरव गौतम हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये चुनाव जीत रहे हैं। कांग्रेस हिसार से साउथरी जिंदल का जितना तय है जी, इंडिपेंडेंट, हाँ इसी तरह से भिवानी से घनश्याम सराफ और बीजेपी से, और जो कॉमरेड ओम प्रकाश है वो CPIM से, दोनों की जबरदस्त टक्कर है वहाँ पे। घनश्याम सराफ का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमारे पास रिपोर्ट आई है जो 50-50 दोनों की तरफ से 50-50, इंदु शर्मा बड़ा अच्छा इलेक्शन वहाँ पे बनाए हुए हैं, तिकोणा अगर मुकाबला हुआ तो फिर कुछ भी हो सकता है जी। गुलाचिका से कांग्रेस के देवेंद्र हंस चुनाव जीत रहे हैं जी। वाडला से सोमवीर कांग्रेस के चुनाव जीत रहे हैं, और बावल से ML रंगा है
लाल रंगा है, पहले मंत्री रहे हैं और वीसी भी रहे हैं यूनिवर्सिटी के, और जी चुनाव जीत सकते हैं लंगा, डॉक्टर रघुवीर शायद डॉक्टर कृष्ण कुमार उनके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी की जी। डबवाली से अमित सियाग हैं कांग्रेस से, और दूसरी ओर जो डबवाली में तीनों की कांटा की टक्कर है बीजेपी कांग्रेस और INLD की जी। अच्छा, चुनाव कहीं भी जा सकता है जी। तो बल्लभगढ़ में मूलचंद शर्मा बीजेपी से चुनाव जीत रहे हैं जी। डबवाली में की हमने बात की, ट्राइंगल फाइट है, कुछ भी हो सकता है। फतेहाबाद में बलवान सिंह दौलतपुरिया वो कांग्रेस से चुनाव जीत रहे हैं। इसराना से बलबीर वाल्मीकि चुनाव जीत रहे हैं। गुरुग्राम से मुकेश शर्मा की हमें रिपोर्ट में लेके भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत की स्थिति में उनका। तो लाडवा से मेवा सिंह, लाडवा बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, वही था। अभी तक जो हमें रिपोर्ट मिली लाडवा से मेवा सिंह आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की सीट है ये, नाक और शाख का ये। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी तक जो हमें रिपोर्ट मिली है कि निवर्तमान मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेवा सिंह की जीतने की स्थिति में बता रहे हैं वहाँ से जो रिपोर्ट हमें मिली जी। हालांकि मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा क्या होगा, लोगों ने वोट दिया है दोनों को, अच्छा जो एक वोट दिया वहाँ पे जी जी। तो हम बात करते हैं होडल की, होडल से उदयवान कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, प्रदेश के जी अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, वो चुनाव जीत रहे हैं। बहादुरगढ़ से राजेंद्र जून है कांग्रेस के, वो चुनाव जीत रहे हैं। यमुनानगर से घनश्याम दास बीजेपी से हैं, और घनश्याम दास के अलावा अकरम खान हैं कांग्रेस पार्टी से, तीसरे कैंडिडेट दिलबाग सिंह हैं जी। तीनों का कांटे की टक्कर कुछ भी हो सकता है, कोई भी चुनाव जीत सकता है तीनों पार्टियों का उम्मीदवार। जो कोसली से जगदीश यादव कांग्रेस का चुनाव जगदीश यादव वहाँ लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनकी जीत की स्थिति में है वो। रानिया से अर्जुन चौटाला इन लोग क्लियर हैं, अर्जुन चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, इन लोगों का जो कैंडिडेट हैं वो रानिया से, और इसी तरह इलाहाबाद से इन लोगों का कैंडिडेट चुनाव रानिया और इलाहाबाद से, रानिया इलाहाबाद और नरवाना में इन लोग हैं, तीनों सीट की अपेक्षा की जा रही है जी जी। और कहीं कहीं हमें जो रिपोर्ट मिली है, हमें जो सूचनाएं मिली हैं, लोगों से बातचीत हुई हो, तीनों सीटों इन लोग मजबूत और तीनों सीटें वो जीत सकती है जी। काशी से राहुल मक्कड़ कांग्रेस के, राहुल मक्कड़ में और विनोद भेड़ा में जबरदस्त कांटे की टक्कर। हालांकि एक बार जो पहले तो शुरू में जो चुनाव उठा चला था, कैंपेनिंग की स्टार्ट हुई थी जी, शुरू हुआ था जब, राहुल मक्कड़ का चुनाव भारी था जी। बाद में आते आते विनोद भेड़ा ने कहीं कहीं कवर किया है, उनमें दोनों जबरदस्त टक्कर है। नड़वा में अनिल मान है कांग्रेस के जी, गढ़ई किलोई में निश्चित रूप से क्लियर है भूपेंद्र हुड्डा चुनाव जीत रहे, बहुत अच्छे मार्जिन से, वहाँ पे तो सिर्फ मार्जिन की बात की जा रही है कि कितने वोटों से ये चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं जी जी जी, ये बात हो रही। कलायत में चौकोड़ा मुकाबला जी, विकास सारण है, अनुराग ढांडा है, कमलेश ढांडा है, अनीता ढुल है, चौकोड़ा मुकाबला कलायत में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। इसी तरह शमशेर गोगी का असंत से हैं, वो चुनाव जीत रहे हैं जी। कालांवाली में छिसपाल कांग्रेस से चुनाव जीत, नीलोखेड़ी भगवान दास बीजेपी से चुनाव, अच्छा नीलोखेड़ी भगवान दास बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में बताए जा रहे हैं। और वहाँ लोगों से हमारे रिपोर्टर्स ने हम जो बात की है, और एक लबल हुआ पे एक वहाँ पे वो निकल के आया है, तो नीलोखेड़ी में भगवान दास। खरखोदा में जयवीर सिंह कांग्रेस से। तो एग्जिट पोल की हम बात करते हैं, हमने जो हमारे रिपोर्टर से बात की है, और हमने हमारे रिपोर्टर्स ने जो धरातल पे जो मतदान केंद्रों पर गए हैं, उन्होंने मतदाताओं से बात की है, उन्होंने वहाँ से एक जो रिपोर्ट निकल के आई, जो सूचनाएँ निकल के आई हैं, और डायरेक्ट उन्होंने मतदाताओं से जुड़े हैं वो जी। सभी वर्गों के जो मतदाता हैं उनसे बात की है, और उन्होंने बात करने के बाद जो एक सूचनाएँ एक हमने कलेक्ट की हैं इकट्ठी हुई, वो ऐसा लगता है कि हमारा एग्जिट पोल हमने तैयार किया है, तो लगता है जो कांग्रेस 56 सीटें तक जीत सकती है जी, पचपनिया 56 सीटें जीत सकती है। उसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 23 सीटों तक, 22 या 23 सीटें वो जीत की स्थिति में हो सकती है जी। INLD की बात करें तो INLD तीन सीटों पर बाजी मार सकती है, तीन सीटें उसके खाते में जा सकती हैं। इसी प्रकार से 8 से 10 तक जो सीटें हैं उन पर आजाद उम्मीदवार जीत सकते हैं। तो इस तरह का ये एक हमारे पास एक एग्जिट पोल आंकड़ा
निकल के आया है, तो लगता है, मुझे लगता है कहीं कहीं ये जो आंकड़ा हमारा सटीक आंकड़ा हो पाएगा होगा, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो संवाददाता हैं और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक बड़ी मेहनत के साथ ये आंकड़ा तैयार किया है। सो दोस्तों, अर्थ प्रकाश टीवी ने कोशिश की है कि एक आंकड़ा, क्योंकि हमने धरातल पे हम लोगों ने जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनसे बात की, वहाँ पे लोगों से बात की, उसके बाद जाना है कि ये जो आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि वो आंकड़ा हो सकता है कि हरियाणा के जो चुनाव हुए हैं उनका ये आंकड़ा सामने आ सकता है 8 तारीख को। खैर, जो भी होगा 8 तारीख को कौन कितने कितने मत ले जाएगा, कितने कितने वोट ले जाएगा, ये तो आपके सामने स्पष्ट रूप से आ जाएगा। लेकिन ये सब जानने के लिए देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।